दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर सुबह की शुरुआत के साथ ही नेजी और अरमान मलिक के बीच में जबरदस्त तरीके से झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे पर इतने गंदे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर आप भी अपने सुबह का चाय नाश्ता साइड में रख देंगे। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि यहाँ पर अरमान मलिक जो है वो घर के अंदर घर वालों से बातें कर रहे थे, तभी उनका प्रेशर बन गया। वो जैसे ही फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में घुसे तो वहाँ पर फैली गंदगी को देखकर कहीं ना कहीं जो है अरमान के दिमाग का दही जम गया। हुआ कुछ यूँ था कि नेजी थोड़ी देर पहले ही उस टॉयलेट में से बाहर निकले थे और कम्बोर्ड में कुछ गंदगी छोड़ आए थे, और इस बीच जब अरमान घुसे तो वहाँ पर उनका दिमाग ख़राब हो गया। अरमान ने बाहर आते कहा कि तू जाहिल है क्या, गंवार है क्या, क्या करके आया तू, ये फ्लश नहीं होता तेरे से। जिसके बाद यहाँ पर जो है नेजी कहते हैं कि भाई मैं तो 2-3 बार फ्लश करके आया, अब अगला जाने को ही तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ। जिसके बाद में यहाँ पर अरमान ने नेजी को सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि कितना घटिया इंसान है, तेरे को इतना सा भी नहीं पता क्या, 5वीं क्लास का बच्चा थोड़ी ना है तू, अब तेरी गंदगी तो तू ही साफ़ करेगा ना, कोई हम थोड़ी ना साफ़ करेंगे। और नेजी अपनी जिद पर अड़ा रहा, कह रहा है कि भाई जा ही नहीं रहा, वो तो अड़ियल था, नहीं जा रहा, मैंने फ्लश कर दिया 2-3 बार। और इस बात को लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जहाँ पर अरमान ने नेजी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और नेजी अब क्या करे बेचारा, उसकी मजबूरी है सुननी। और ऐसे में यहाँ पर घर के अंदर काफ़ी बड़ा विवाद हो रखा है। फिलहाल दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी साइड लेंगे इस झगड़े के दौरान, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।